दोस्तों, ये व्हाइट क्लॉथ्स हम चेक कर रहे हैं अभी। ये सदानंद सूर्यवंशी सर जी है जो नांदेड़ से हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आए हैं। तो इनको कहा कि सारे व्हाइट कपड़े चेक करना है आपको। तो ये देखिए, 100 रुपीज़ निकले हैं सर। तो धन्यवाद सर आपका। ये 100 रुपीज़ हम कस्टमर को वापस करेंगे, और कैसे वापस करेंगे इसके लिए आप वीडियो को आखिर तक देखिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये 100 रुपीज़ मैंने मोबाइल के कवर में रख दिए हैं, और ये नंबर भी डाल दे दिया है दोस्तों कस्टमर का। तो इससे होगा ये कि कस्टमर के पैक पार्सल में पैक करेंगे, और अगर हम वाइट कपड़े वॉश वॉश करने के बाद में अगर मिलते तो पूरे ख़राब हो जाते दोस्तों। अगर ठंडा पानी है तो ये इस तरह से हो जाएगी 20 की नोट। तो ये ठंडे पानी में वॉश होया है, बट ये अगर ब्लीच में वॉश करते तो 100% डैमेज हो जाता दोस्तों। ये बस यही है, ये 20 को हमने इधर लगा दिया, और इसको हम पार्सल जो पैक करेंगे उसमें लगाएंगे, आखिर में आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो धन्यवाद सदानंद सूर्यवंशी जी, ये सारा काम है आज का। तो ये रहा नंबर, और ये रहे 100 रुपये। हमारे जो हमेशा के कस्टमर है ना दोस्तों, उन्हीं के कपड़ों में से निकले। सदानंद सूर्यवंशी जी को भी धन्यवाद जिन्होंने 100 रुपीज़ निकाले और मेरे पास दिए। तो बस दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसर। तो आपने स्टार्टिंग से अब तक वीडियो देख ली है। सदानंद सूर्यवंशी जी अब तक ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं, उनको एक वीक हो गया है, बट मेरे पास ये वीडियो क्लिप थी। मैंने सोचा कि चलो इसकी एडिटिंग कर लेते हैं, बट मैंने सोचा कि 1.5 मिनट की वीडियो है, थोड़ा सा और अपने तरफ से कुछ ऐड कर देते हैं इसमें। तो मुझे लॉन्ड्री बिजनेस करते हुए ना 20 साल के ऊपर हो गए दोस्तों। 2002 से मैंने शुरू किया था, 21वां साल मुझे हो गया है लॉन्ड्री बिजनेस में। और किसी के भी कपड़ों में से पैसे निकलते हैं, पैसे खर्च ले लूँगा, मैं खर्च कर लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, बट जब मैं पैसे कस्टमर को वापस करता हूँ ना, तो अलग सा एक इम्प्रेशन जाता है। और एक बात, आप अगर 100 वापस करते हो, 200 वापस, जो आपका नहीं है आप उसको ले भी सकते हो, कोई पूछेगा नहीं आपको। बट अगर वापस करते हो ना, तो ये यूनिवर्स आपको वापस ये पैसा आपके पास भेज देता है सही तरीके से, ये मुझे कहना है दोस्तों। तो जो अपना नहीं है हम नहीं लेंगे। और हाँ, अगर वापस करते हैं, एक कस्टमर दूसरे 10 कस्टमर्स को बोलेगा। मैंने सेम ऐसा एग्जांपल मेरे साथ में हुआ था, शायद मैंने वीडियो में बताया होगा। मेरा ये इंस्टॉलेशन हो रहा था, मशीनों का इंस्टॉलेशन हो रहा था दिवाली के टाइम पे, और उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि सेम ऐसे ही वीडियो बनाया था कि जिनमें कस्टमर्स के पैसे निकले हैं, दो पार्सल में, मतलब दो बार एक ही कस्टमर के पैसे निकले हैं। तो उनको अभी जस्ट इसी साल की बात है, तो 250-250 रुपये थे, 450 टोटल कुल मिला के पैसे थे। तो मैंने कस्टमर को वापस किए, थोड़ा माफ़ करना अगर ये वीडियो लंबी होती है तो मैंने कस्टमर को पैसे वापस किए। और पहले जब मेरे पास वो कस्टमर आते थे ना, तो झिकझिक करते थे, मतलब इतने ही ले लो, उतने ले लो, ये पैसे बस इतना ही हो गया, ज़्यादा बिल हो गया, ऐसा वैसा, तो पैसे देने में थोड़ी सी झिकझिक करते थे। जब मैंने उनको पैसे वापस किए, खुश हो गए, और दिवाली के टाइम पे, और ये इंस्टॉलेशन जब मेरा मशीनों का चल रहा था, 2-4 साड़ियाँ इन्होंने ड्राई क्लीनिंग के लिए लाई थी। और तब मैंने कहा कि सर, हमारे शॉप पर काम शुरू है, 8-10 दिन हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, आप ये साड़ियाँ वापस ले जाइए, और जब हमारा काम शुरू होगा तब वापस ले कर आइए। तब उन्होंने 13 साड़ियाँ ड्राई क्लीनिंग के लिए लेके आए थे। मतलब जब सदानंद सूर्यवंशी जो सब्सक्राइबर फ्रेंड अभी ट्रेनिंग लेके गए हैं ना मेरे यहाँ से, तो उनको भी मैंने ये सेम जो आपसे वीडियो में बोल रहा हूँ, सेम उनसे मैंने ये डिस्कशन किया है। तो 13 साड़ियाँ ड्राई क्लीनिंग के लिए लेके आए थे। 13 साड़ियाँ जब लेने आए तो 1 रुपया भी बोला नहीं कि सर इतने पैसे ले लो, उतने पैसे ले लो, ज़्यादा पैसे होते, बिल्कुल भी नहीं बोला। और 2600 रुपये मुझे ऑन कैश दे के गए वो। और ये सेम सदानंद सूर्यवंशी जी के सामने पैसे निकले, और मुझे जो रिजल्ट मिला है पैसे वापस करके, तो वो भी मैंने दिखाया। जब 4-5 साड़ियाँ लेके आए थे, तो 13 साड़ी एकदम से लेके आए, और बार्गेनिंग नहीं किया या पैसे देने में भी कोई झिकझिक नहीं की। तो ये सारा कुछ हमें वापस मिलता है दोस्तों, हमारी ईमानदारी ज़ाया नहीं जाती है, ना ही हमारी मेहनत ज़ाया जाती है। बट इतना है कि करते रहना चाहिए लॉन्ड्री बिजनेस में ना, ऊपर वाले ने, भगवान ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है हमें,
लोग कपड़े पहनते हैं, कपड़े हमारे पास आते हैं, कपड़ों में कभी ना कभी पैसे निकलते ही, तो वापस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। और आपको भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आया होगा जैसा मुझे आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सदानंद सूर्यवंशी जी को भी मैंने सारा कुछ बताया और वो खुद पढ़ाते भी है बच्चों को, तो उनका तो काफ़ी अच्छा फीडबैक मुझे मिला और काफ़ी अच्छा लगा उनको ट्रेनिंग देते हुए। अभी वो अपने घर पे है लेकिन ये सारा इंसिडेंट उनके सामने हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो अपलोड कर देते हैं जल्दी, थोड़ा देर हो गया। बट आपका भी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पिताजी ने घर वगैरह बनवा दिया था, बट मैं मेहनत करते गया और ईमानदारी से मेहनत करते गया तो आज मैं थोड़ी सी ठीक ठाक पोजीशन में हूँ। अभी भी बहुत सारा कुछ अचीव करना है लाइफ में, बट इतना है कि ईमानदारी और मेहनत है तो वही रंग लाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।